ऐसा हमने सुनने में आया है, मुझे दो चार दिन पहले मैंने काजोल से बात की थी, आई थिंक कुछ इंटरव्यूज वगैरह का हम जो है फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसा उसने मुझे कुछ कहा कि कुछ 15-20 मिनट फिल्म की फुटेज है जो एडिटेड थी, तो शायद वो दिखाई जाएगी या उसके ऊपर हम एक इंटरव्यूज बना रहे हैं। फिर मुझे अभी मैं मिला नहीं हूँ बहुत दिन से आदि वगैरह से, बट आई थिंक एक आइडिया मैंने सुना है कि दिलवाले के जब 1000 हफ्ते पूरे होंगे शायद हम सब लोग जाके फिल्म को देखेंगे उसके बाद। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, आदि के लिए नहीं, काजोल के लिए नहीं, लेट अवरीश जी के लिए नहीं, आई थिंक ये कुछ अलग ही चीज़ है, ये फिल्म से ज़्यादा है। आई थिंक एक ईरा को डिफाइन करती है, और हमारी वजह से नहीं, आई थिंक मैं अभी भी लड़कियों से मिलता हूँ, लड़कों से कहते हैं कि हमारी शादी दिलवाले की वजह से हुई, अभी भी लोग मतलब बहुत एक प्यार है उस फिल्म से, वो फिल्म से ज़्यादा बन चुकी है, तो आई थिंक उसको सेलिब्रेट करना ज़रूरी है और उससे सीखना ज़रूरी है कि वो ऐसा क्यों हुआ। ऐसा हमने भी वैसी फिल्म नहीं बनाई है, किसी ने वैसी फिल्म नहीं बनाई है, तो वो एक सीख है, बट आई थिंक वो दिलों में क्यों बस गई है किसी को मालूम नहीं है, और 1000 हफ्ते पे एक मोमेंट है, जैसे आप कह रहे हैं एक माइलस्टोन ज़रूर है। मैंने शायद मैं गलत ना हूँ, आई थिंक द सेकंड लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन द वर्ल्ड है, एक चाइनीज़ फिल्म शायद उससे ज़्यादा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो बहुत बड़ी बात है, और मैं उसमें हूँ, ये मेरे को बहुत खुशकिस्मती लगती है मेरी। सो यस, देयर विल बी सम सेलिब्रेशन, आई एम श्योर यशराज फिल्म्स विल डू समथिंग, एंड यश जी इज़ नो मोर, तो शायद उस याद में भी उसकी इज्जत के लिए वी विल डू समथिंग फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएं। हाय शाहरुख,